नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, और 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको पता है छोटी दिवाली क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि आज शाम को 6:30 बजे के बाद छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इसे छोटी दिवाली इसलिए कहा जाता है कि जब प्रभु राम और सीता जी लक्ष्मण जब अयोध्या छोड़ कर गए, और ये बात भरत को पता चली, भरत आकर अपनी माता से बहुत लड़ा, और आपको सब कहानी उसके बाद की पता है, उनके बीच में उनका मन बहुत उदास हुआ, तो उन्होंने अपने आप में एक प्रतिज्ञा ली कि आज से ठीक अगर 14 वर्ष बाद मेरा भाई वापस नहीं आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो 14 वर्ष बाद भगवान जब वापस नहीं आए तो वो बड़े परेशान हुए और अपने प्राण को त्यागने के बारे में सोचने लगे। राम जी को इस बारे में पता चल गया उनकी मनो इच्छा से कि मेरा भाई किसी खतरे में। उन्होंने हनुमान जी को बोला कि जाके भरत को संदेश दो कि हम कल लौट कर वापस आ रहे हैं, कल तक का इंतजार करें। हनुमान जी उड़कर गए और भरत को जाकर बोला कि मैं आपको संदेश देने आया हूँ कि कल राम जी लौट कर। और हनुमान जी ने भरत को जिस दिन ये संदेश दिया उस दिन को हम छोटी दिवाली कहते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस दिन पूरी दीप माला लगाई गई। इसे दिवाली नहीं कहते, दिवाली एक बिगड़ा हुआ नाम है, दीपावली, दीपों की आवली, यानी कि दीपों की एक माला, दीपों का लगाना घर के बाहर, इसे दीपावली कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो दिन छोटी दिवाली था जिस दिन ये मौका, ये संदेश पहुंचा था कि आज राम जी लौट कर वापस आ रहे हैं, उस दिन को हम छोटी दिवाली कहते हैं। और जिस दिन राम जी लौट कर वापस आए वो तो बड़ी दिवाली थी। यानी कि हमारे और आपके जीवन में जब भगवान के आने का संदेश भी हमें मिला तो वो हमारे लिए बहुत मैटर करता था, बहुत बड़ी बात थी वो, और उसके हमें 100 out of 100 रिजल्ट्स मिले, तो ये बहुत खास कहानी है। और अगर आपको ये कहानी नहीं पता थी तो अपने बच्चों को सुनाएं, और अगर ये कहानी आपको पता थी तो भी ये कहानी अपने बच्चों को सुनाएं। ये दीपों की माला, दीपों की आवली, दीपावली आपके लिए बेहद शुभ और मंगलमय हो। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद सदैव।